सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिसके बाद आप देख सकेंगे मेरे सारे वीडियोस तुरंत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। मैं नितिन आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके, और आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ सैमसंग के एक कमाल के वायरलेस ईयरफोन की अनबॉक्सिंग। दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये है एक कॉपी, सैमसंग के किसी ईयरफोन की कॉपी। यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं, ये है इसका बॉक्स, और इसे मैंने लिया है रेड कलर में, काफी सुंदर है। इसका मॉडल नेम है सैमसंग लेवल यू वायरलेस हेडफोन, मॉडल नंबर है HS450BT, और ये है मेटेलिक स्टीरियो हेडफोन, सपोर्ट करता है एंड्रॉयड, आईफोन, ब्लैकबेरी को। तो देखते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होने वाली है, साउंड क्वालिटी कैसी होने वाली है, क्योंकि ये है एक कॉपी प्रोडक्ट, तो सारा कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में। इसकी साउंड क्वालिटी मैं चेक करना चाह रहा हूँ, और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शायद कैमरा फोकस कर रहा हूँ, ये है मेटेलिक डिज़ाइन में, जो कि ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं, उस टाइप का है। इसके मेन फीचर में जो एक चीज़ और है, इसमें आप कॉल भी रिसीव किया कट कर सकते हो, इसमें माइक्रोफोन लगा होगा इसके इस रिसीवर में। इसके साथ साथ इसमें एक और कमाल का फीचर है, वो है आप इससे फ़ोटो भी वायरलेसली क्लिक कर सकते हैं एक रिमोट की तरह, तो ये भी मैं चेक करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा, तो वीडियो के स्टार्ट से इन तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी के लिए लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के बॉक्स में मिलता है हमें ईयरफोन, यहाँ पे लिखा है सैमसंग, और ये रहा हमारा रेड कलर का ईयरफोन। इधर फोटो क्लिक करने वाला ऑप्शन मेंशन किया हुआ है, इन द कंडीशन ऑफ कैमरा शॉर्ट प्रेस द की ट्वाइस टू टेक पिक्चर। इस साइड बटन्स और हमें USB पोर्ट जो चार्जिंग के लिए मिलता है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन और यहाँ पे मेड इन चाइना और कुछ बारकोड। बॉक्स के पीछे हमें मिल जाता है मॉडल नेम सैमसंग लेवल यू वायरलेस हेडफोन्स, और एक 3D इमेज इस ईयरफोन का। मॉडल नंबर है HS450BT मेटेलिक स्टीरियो हेडफोन्स, सपोर्ट करता है एंड्रॉयड, आईपॉड, आईपैड, आईफोन, ब्लैकबेरी। बॉक्स के अदर साइड्स में कुछ नहीं है, तो अभी कर लेते हैं इस बॉक्स को ओपन। ओके, तो बॉक्स के अंदर हमें एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर ईयरफोन पैक है, ये ट्रांसपेरेंट कलर का बॉक्स है, कर लेते हैं इसे भी ओपन। और अभी हमारा ईयरफोन पैक है इस पैकिंग के अंदर, निकाल लेते हैं। एंड जैसे ही मैंने दोस्तों इस ईयरफोन को निकाला, मेरे सामने है ये ब्रांड न्यू सैमसंग का ईयरफोन। ये है एक कॉपी, पर एक कॉपी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कलर और डिज़ाइन ज़बरदस्त है, और मैं इसे दूंगा थम्स अप। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये ब्लूटूथ रिसीवर। ओके, तो ये है काफ़ी हल्का वेट में, और इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है सैमसंग, उसके ऊपर है माइक्रोफोन, उसके बाद है एक LED इंडिकेटर, ब्लूटूथ सेल्फी का भी एक लोगो बना है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, प्ले एंड पॉज, सेंटर वाला बटन पावर ऑन ऑफ, और ब्लूटूथ पेयरिंग के भी काम आता है, साथ ही साथ कॉल रिसीव करने के लिए भी। पीछे की तरफ हमें एक क्लिप मिलता है जिसके जरिए हम इसे कहीं भी अपने पॉकेट वगैरह में लगा सकते हैं। देख सकते हैं इसकी बॉडी में रबर वाली फिनिश है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रीमियम लुक देती है। इधर हमें मिल जाता है एक microUSB पोर्ट फॉर चार्जिंग। ऊपर की तरफ हमें एक 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है, जहाँ पे हमारा प्लग होगा ईयरफोन। ओके, तो फिलहाल अभी इस ब्लूटूथ रिसीवर को रखते हैं एक साइड, देख लेते हैं दूसरी चीज बॉक्स में क्या क्या मिलती है। सेकंड चीज जो हमें मिली है वो है एक छोटा सा microUSB केबल फॉर चार्ज दिस ब्लूटूथ रिसीवर, काफी छोटा सा है, क्वालिटी ठीक ठाक है। और नेक्स्ट चीज जो सबसे कमाल के अट्रैक्टिव है वो है ये मेन ईयरफोन, जिसके ऊपर का हिस्सा बना है मेटल का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है और जैसा कि मेरा कैमरा देख रहा है, यहाँ पे कलर काफी कमाल के हैं, साथ ही साथ ये मेटेलिक कलर के साथ आता है, मेटेलिक रेड। देख सकते हैं इसके पीछे वाला हिस्सा एक दूसरे से किस तरीके से चिपक जाता है। कुछ टाइम पहले इस टाइप के ईयरफोन मैग्नेटिव वाले काफी फेमस हुए थे। तो चलिए अभी ओपन कर लेते हैं वायर और देख लेते हैं लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ तो ज्यादा नहीं है, अब देखनी है वायर की क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। दो वायर एक में जैसे चिपके हुए आते हैं, वो टाइप वाला वायर यहाँ पे हमें मिलता है। कुछ इस तरीके का ऑडियो जैक हमें मिलता है, और दोस्तों बता दूं यहाँ पे ये मुझे कुछ खास स्ट्रांग लग नहीं रहा, इसका वीक पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो अभी इसको प्लग करके दिखा देता हूँ ब्लूटूथ रिसीवर में। तो कुछ इस तरीके से ये होगा इसमें कनेक्ट, और अभी इस वायर को मैं कर लेता हूँ ओपन अपने हिसाब से, जिस हिसाब का मुझे चाहिए। ये दोनों वायर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो आप खोल के अपने हिसाब से इसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ओके, तो इतना सही रहेगा।
ओके, तो अभी ये रेडी है यूज करने को। अब मैं कर लेता हूँ इस ब्लूटूथ रिसीवर को पावर ऑन। बस हमें प्रेस करके रखना है एक सेकंड के लिए बीच वाली बटन, और ये देख सकते हैं आप ब्लू और रेड कलर की दो लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। ये है पेयरिंग मोड पे और लग रहा है कमाल का। तो अभी इसको करता हूँ पेयर अपने फ़ोन से, चलते हैं ब्लूटूथ में, पेयर न्यू डिवाइस। उसके बाद ये कुछ ही सेकंड में यहाँ पे BY नाम से एक डिवाइस सर्च हुआ है, जो कि ये है ब्लूटूथ रिसीवर। कर देते हैं पेयर, अभी हो रहा है पेयर। ओके, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया है गूगल स्मार्ट लॉक के, और यहाँ पे हो गया है मेरा ये रिसीवर कनेक्टेड। कुछ सेकंड तक मैंने इसमें कोई भी चीज़ प्ले नहीं की है, तो आप देख सकते हैं कि स्लीप मोड पे चला गया है, लाइट थोड़ा थोड़ा ब्लिंक हो रहा है, जो कि कमाल की बात है। ओके, तो अभी प्ले कर देता हूँ कोई सॉन्ग और देख लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी भी। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है या नहीं। आवाज़ आ रही है। ओके, तो अभी आपको सुना देता हूँ माइक के पास ये ईयरफोन ले जाके। जैसा कि आप देख सकते हैं साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पे है, और यहाँ पे है मैक्स वॉल्यूम। होप कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से सुन पा रहे होंगे, और जैसे ही मैं ये माइक्रोफोन के करीब ले जाता हूँ, आप सुन सकते हैं बिल्कुल क्लियर इसकी साउंड। कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूँ। वॉल्यूम इसको मैंने 60% पे रखा हुआ है अभी फ़ोन से, और ईयरफोन पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम है। वाओ, तो एक कॉपी के हिसाब से दोस्तों साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। अभी मैं यहाँ पे गाने को पॉज करता हूँ, और ये देखिए तुरंत का तुरंत हो गया है गाना पॉज। रिज्यूम करते हैं, और ये देखिए गाना हो गया है प्ले। सॉन्ग को स्किप करते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे, तो ये देखिए बिल्कुल क्विकली हो रहा है। ये देखिए नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसका रिसीवर काम कर रहा है सारा कुछ। और कुछ इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है, और साउंड क्वालिटी जैसा कि आप सुन रहे हैं काफ़ी इम्प्रेसिव है एक कॉपी के हिसाब से। मैक्स वॉल्यूम, इससे हो रहा है वॉल्यूम कम, और इससे होता है ज़्यादा। और इसी बटन से आप सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कॉलिंग फीचर दिखा दे रहा हूँ। बीच वाली बटन को दो बार जल्दी जल्दी टैप करने पे आप लास्ट नंबर पे तुरंत का तुरंत कॉल लगा सकते हैं। इसका रिमोट पिक्चर कैप्चर करने का भी फीचर दिखा दे रहा हूँ। तो वॉल्यूम डाउन वाली बटन हमें दो बार लगातार प्रेस करनी है जल्दी जल्दी, और यहाँ पे देखिए पिक्चर क्लिक हो जाएगा, जो कि ज़बरदस्त है, थम्स अप। तो दोस्तों सारा कुछ इस ब्लूटूथ रिसीवर में परफेक्टली काम कर रहा है, और थम्स अप है मेरे तरफ से इसके लिए। अभी नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस ब्लूटूथ रिसीवर में आप अपना कोई भी रेगुलर ईयरफोन लगा के इसमें यूज कर सकते हो। यह है मेरा मोटरोला का ईयरफोन, और अभी मैं इसमें लगा के देखता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी ऑडियो आने लगी है। उतना ज़्यादा लाउड नहीं है जितना कि इसके मेन ईयरफोन से है, पर ये ईयरफोन भी इसमें काम करेगा या फिर कोई भी ईयरफोन। जो कि एक कमाल का ऑप्शन है कोई भी ईयरफोन यूज करने का। और अभी लगाता हूँ इसका मेन ईयरफोन, ये देखिए इसका साउंड बिल्कुल अलग ही है, इसमें लाउडनेस ज़्यादा है, और ये रहा इसका साउंड क्वालिटी।
तो यहाँ पे होता है टेस्टिंग कंप्लीट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखा दिया है, अनबॉक्स करके रिव्यू करके साउंड भी आपको टेस्ट करा दिया है। मेरे पास इतनी अच्छी माइक नहीं है इसलिए क्वालिटी उतनी अच्छी आप शायद सुन नहीं पाए होंगे, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, वायरलेस जो कनेक्टिविटी है इसकी ब्लूटूथ के जरिए वो भी काफ़ी फास्ट है और रेंज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और इसका जो फीचर हमें मिलता है आप फोटो कैप्चर करने के लिए वायरलेसली किसी भी फ़ोन से, वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। और दोस्तों खासकर इसका कलर और डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया। एक कॉपी प्रोडक्ट होने के हिसाब से, रेट के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कलर भी काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ की इसमें जो कमी मुझे दिखी वो है इसके वायर इसके बहुत कमज़ोर हैं, पतले वाले वायर लगे हैं, यही इसकी कमी है, बाकी इसमें कोई कमी लगती नहीं है। दोस्तों यही था सारा कुछ इस प्रोडक्ट के बारे में। और दोस्तों आपको अगर इस वायरलेस ईयरफोन के साथ साथ मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं मेरे साथ। और दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं और ये प्रोडक्ट अगर मार्केट में या फिर कहीं भी अवेलेबल होगा तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। सी यू अगेन, बाय बाय।